सो पाप कियो। ब्राह्मण देवता रोने लगे, आंखों में आंसू भर के परमात्मा को देखकर, मैंने कौन सो पाप कियो। हरि जी तुमने जो दुख ऐसो दियो, प्रभु जी तुमने जो दुख ऐसो दियो। एक महात्मा को सुनाया तो पंडित जी बोले, पंडित जी। महात्मा बोले, अरे पंडित जी, कच्चा नारियल वो है जो खोपड़ी से चिपका है, पका नारियल वो है जिसने खोपड़ी छोड़ दी। अब आप बताओ कि आप कच्चे नारियल हो या पके नारियल हो? नहीं है, भांग खाकर बैठ गए। भगवान तुम्हारे नौकर हैं, इसलिए कहता हूँ कि भगवान की भक्ति, भक्त और भगवान के बीच में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यदि स्वार्थ हुआ तो तुम्हारी भक्ति कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ वर्षों बाद समाप्त हो जाएगी, वो तुम्हारी भक्ति अश्रद्धा में बदल जाएगी। इसलिए भक्त और भगवान के बीच में स्वार्थ नहीं, सकाम नहीं, भक्ति तो निष्काम होनी चाहिए। ज्ञानी भी हुए तो ज्ञानाभिमानी भी भये हैं। किसी को ज्ञान हो जाए तो ज्ञान का अभिमान, दान दे दो तो दान का अभिमान। लेकिन दान देकर जो भूले उसका भी होता नाम, दान देकर जो भूले उसका भी होता नाम। राम 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 बोलो राम राम एक बात और बोले, बुरा मत मानना, जिन जिन की श्रीमती आ गई पर उनकी अपनी मती कम चलती, जिनकी भी श्रीमती आ जाती उनकी पर खुद की मती कम चलती, पर पूरी श्रीमती की ही चलती। बोलो जय सियाराम। सबके जीवन में कष्ट है जो भी भक्ति करते हैं। मैं भी ठाकुर जी को मानती हूँ, उनके इर्द गिर्द ही मेरे विचार रहते हैं, लेकिन इतने नियम मैं नहीं पालन कर सकती हूँ। जो थोड़ा होता है वो मैं करती हूँ, लेकिन जो ज्यादा नियम पालन करते हैं इतना कष्ट में रहते हैं, फिर भी उनके साथ तर पर तर, तर पर तर उल्टा होता ही जाता है। तो कहते हैं कि ये सब कर्मों का खेल है, उनके कर्म है, जैसे वो कभी कुछ पिछले जन्म में किया होगा, कभी इस जन्म में किया होगा, उनका फल है उनका दुख। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता कि जब कर्म करके फल लेना है, कर्म करके फल लेना है, तो वो भक्ति का उसमें क्या योगदान है, वही मेरे को। और जब भगवान कहते हैं कि मेरी आप भक्ति करोगे तो मैं हर चीज से आपको मुक्त कर दूंगा, आपके लिए जीवन आसान कर दूंगा, तो फिर कर्म का दोष कैसे लगेगा, मुझे वो समझ नहीं आता। वाह, सुंदर प्रश्न है, इसलिए ताली बजाओ। सब बैठो आप लोग, अच्छे प्रश्न पूछने चाहिए ऐसे जैसे इन्होंने पूछा। सब बैठो, पहले अगल बगल की बहन है सब बैठाओ। सुनो, इन्होंने पूछा है कि जब कर्म का ही फल भोगना है तो फिर भक्ति करने की क्या जरूरत है। सिंपल ये क्यों सही है। धुंधली बड़ी खतरनाक, जब तक पड़ोसी से लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक यह देवी जी किचन में पैर ही नहीं रखती। आगे पीछे की मैया बैठ जाओ। अर्जुन भक्त थे कि नहीं? थे ना। लेकिन अर्जुन को भी 12 वर्ष का वनवास जाना पड़ा, 12 साल तक जंगल में रहना कोई सरल काम तो नहीं है। 1 साल अज्ञातवास जंगल में रहना, किसी के दास दासी बन के रहना, सरल काम तो नहीं है। जबकि अर्जुन जैसा भक्त कौन होगा, फिर भी उन्हें कष्ट उठाना पड़ा। भगवान राम तो स्वयं भगवान थे, 14 साल का कष्ट। माता सीता तो साक्षात लक्ष्मी थी, फिर भी दर दर की ठोकर जंगल में लकड़ियां काट काट के बच्चों का लव कुश का लालन पालन किया। इसी प्रकार अब आप कहते हैं कि जब हम भक्ति करें तो फिर कर्म ही का फल भोगना है, तो भक्ति का अर्थ क्या? बात ऐसी है बेटा कि कर्म तो अपनी जगह है, कर्म तो हमें भोगनी है, हमें भी भोगना है, आपको भी भोगना है। भक्ति सिर्फ इसलिए की जाती है, इसलिए नहीं की जाती कि भगवान हमें पैसे वाला बना दें, भगवान हमें धन धान्य से भर दें,
घर में सब कुछ हो। भक्ति का मतलब पैसा पाना नहीं, भगवान से बेटा बेटी मांगना नहीं। अरे भगवान की भक्ति आपको जो देगी, कोई कर्म में इतनी ताकत नहीं है कि आपको वो दे सके। अब उदाहरण से समझो, विभीषण को लंका का राजा बना दिया, क्या विभीषण का कोई ऐसा कर्म उसे राजा बना सकता था? कर्म अच्छे करता था फिर भी लातें खाता था, रावण लात मार के निकालता था, उसके कर्म का भी उसे दंड मिला। पर भगवान की भक्ति जो की, उस भक्ति का भी फल, कर्मों का फल यदि मिलता है तो भक्ति का फल भी मिलता है। थोड़ा सा देर है, विभीषण को भक्ति का फल मिला। उस कोई व्यक्ति ऐसा कितना कर्म करता कि वो लंका का राजा? भगवान कर्मों के फल को नहीं देखते कि तुमने भक्ति हमारी कितनी की। जब भक्त शरण में चला जाता है तो भगवान भूल जाते हैं कि कितना बड़ा पापी और पतित है, उठा करके राज सिंहासन पर बिठा देते हैं। दूसरा सुग्रीव, सुग्रीव भी लाते खाता था, भाई की दर दर की ठोकर खाता था, उठा के बिठा दिया। तो भगवान बेटा, भगवान जो दे सकते हैं कोई नहीं, इसलिए गलती हम लोगों की है कि हम उम्मीद क्या करते हैं, बेटा भी नहीं दिया। हे भगवान तुमने, हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं, रहने को घर भी नहीं दिया। हे भगवान तुम्हारे, हम इतने बड़े भक्त हैं, हमारा पति नहीं सुनता, बेटा नहीं सुनता। भगवान की भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बेटा सुने, तुम्हारी बेटी सुने, तुम्हारा घर बन जाए। जो भाग सुदामा ने सारी जिंदगी गरीबी देखी, क्या सुदामा से बड़े भक्त आप और हम हैं? क्या हो सकते हैं? नहीं। लेकिन सुदामा से ज्यादा हमारी शिकायतें हैं, सुदामा की तो एक भी नहीं थी। सारी जिंदगी भीख मांगकर गुजारा किया, सारी जिंदगी भगवान की भक्ति की और मांगने नहीं गए, चार मुट्ठी चावल अपनी हैसियत के अनुसार देने गए। जब सारी जिंदगी उन्होंने भक्ति की और फिर भी गरीबी में रहकर शिकायत नहीं की, तब भगवान ने देखा कि भक्त पक्का है। 50 रुपए का घड़ा जो खरीदती हो ना मेरी बहन, उस घड़े को भी कुम्हार हफ्ते भर पकाता है भट्टे में, महीनों तक पकता है वो, कम से कम 10 दिन की आग तो देता होगा, तब जाके वो काले से लाल होता है, माटी पक जाती है तो लाल हो गया। अरे घड़े को भी पकने के लिए आग में उसे डालना पड़ता है। तो भगवान जब अपने भक्त को पकाएंगे तो थोड़ा तो दुखों की आग में तपाएंगे कि देखें कितना कच्चा कितना पक्का। इसलिए हर हाल में गोविंद का स्मरण करो और ये मत कहो कि हमें भगवान से कुछ चाहिए। लोग कहते हैं कि भगवान के भक्तों को दुख मिलता है, अरे जो भगवान का सच्चा भक्त हो जाएगा उसे पता ही नहीं चलेगा कि दुख क्या चीज है, उसे तो सुख ही मिलेगा। गोपियों को भगवान की याद में रोने में भी सुख था, कैसे कहें हम कि ये दुख था। इसलिए जो हो गया उनका वो दुख तो है ही नहीं। दुख तो वो लोग दुखी हैं जो कोठी बंगलों में रहकर भी, जो ईश्वर को भूला पड़ा है वो सब दुखी हैं, और जो ईश्वर की शरण में है, याद कर रहे हैं, सब सुखी हैं। अब उस सुख को आप दुख मान रहे हैं वो अलग विषय है। इच्छाएं ज्यादा है ना बेटा आपके अंदर, इसलिए वो इच्छाएं आपको दुखी बनाती रहती। इच्छाएं छोड़ के एक बार शरण में चले जाओ, वो कभी ना पाया होगा आपने जो शरण में जाकर के प्राप्त हो जाएगा। एक बार सच्चे होकर जाना। संतों का आगमन और भगवान की कथा पापी को नहीं मिलती, जो पापी होते हैं वे हट जाते हैं, जो प्रभु के होते हैं वो इस आयोजन की कृपा को पा जाते हैं। गुरु जी एक प्रश्न और है, जैसे मैं आसपास देखती हूँ, मेरे आसपास जीवन में भी देखती हूँ, जो भक्त है चलो उनका मैं समझ गई कि वो दुख है, क्यों है, भक्ति का क्या महत्व है, लेकिन जो भक्त को दुख दे रहा है, जो उसको गाली दे रहा है, उसको उस चीज का एहसास भी नहीं होता। मुझे नहीं समझ आता वो क्या सोचता है, वो ऐसा क्यों करता है, और उसका पूरा जीवन अच्छे से चल रहा होता है और वो भक्त रो रहा होता है, और उसका पूरा जीवन अच्छे से चलेगा अगर उसको सजा मिलेगी तो वो भी मरने से कुछ दिन पहले, उसका जीवन तो मजे से गया और भक्त का पूरा जीवन रोने में या कष्ट में तकलीफ में गया, तो फिर उसका भक्ति न करना या करना उसमें क्या, उसमें अंतर हो गया।
वो तो दुख दे के मजे कर रहा है, अंत में चार दिन भुगत लिया और फिर चल लिया। वो बेचारा भक्त पूरा टाइम रोता रहता है, गाली खाता रहता है। सुत तारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए। पंडित जी, संतान, रुपया, पत्नी, ये तो पापी के घर भी हो जाते हैं भैया। सुत तारा अरु लक्ष्मी, पैसा पापी के घर होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। भगवान की कथा और संतों का संग, ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं, वरना रुपया पैसा पत्नी संतान तो पापी के घर पर भी होते हैं। बोलो जय सियाराम। तो होता है ना बेटा, आप किसी भक्त को जाकर पत्थर मारिए, आप किसी भक्त को जाकर के लाठी और जूते से मारिए, तो मारने वाले की तरफ भक्त जब देखता है ना, तो ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है, हे भगवान इसने मुझे जूते मारे हैं, हे भगवान इसने मुझे पत्थर और लाठियां मारी हैं, हे भगवान इसे क्षमा कर देना, क्योंकि भगवान बड़े गुस्से में आ जाते हैं जब कोई भक्त को मारता है। पर वो भक्त, आज की कथा सुने आपने, द्रौपदी के पांच बेटों को मार डाला था अश्वत्थामा ने, और भगवान ने पूछा कि बता क्या करूं इसके साथ, तो द्रौपदी ने क्या कहा, छोड़ दो छोड़ दो। कोई भक्त यदि बदले की भावना रखे बैठा है तो भक्त हो ही नहीं सकता। भक्त तो ये चाहता है कि इसने गलती की है पर भगवान इस पर क्षमा करना, और भगवान क्षमा करते नहीं है। विभीषण को लाज मारा रावण ने, मारा लाज मारा भगवान ने, भगवान को भक्त को भगवान ने कहा, रावण तुमने मेरी छाती में लात मारे होते ना, मैं तुम्हें माफ कर देता, तुमने भक्त को मारा है इसलिए माफ नहीं सर्वनाश करूंगा, कर दिया। एक बात बताओ कि जब तक रावण ने विभीषण को लात नहीं मारा, तब तक राम जी ने लंका में एक भी बाण छोड़ा हो, एक भी नुकसान किया हो लंका का, तो मुझे बताओ। रावण ने सीता माँ को चुराया, जयंत ने सीता माँ के चरणों में चोंच मारी थी, तो बाण छोड़ दिया था, त्रैलोक्य में जयंत को बचाने वाला नहीं मिला, चरणों में चोंच मारी थी केवल, और रावण तो पूरी सीता उठा कर ले गया, तो क्या राम जी बाण वहीं से बैठे बैठे ना मार देते, रावण तो मर जाता। लेकिन नहीं, राम जी ने कहा कि रावण भले मेरी पत्नी का हरण किया हो, लेकिन मेरे भक्त को रोटी खिलाता है विभीषण को, इसलिए मैं बाल भी बांका नहीं करूंगा। लेकिन जब उस भक्त को लात मारा तो राम जी ने सर्वनाश कर दिया। भगवान कहते हैं तुम मुझे लात मार दो सह लूंगा, मेरे भक्तों को मारोगे विनाश कर दूंगा। इसलिए मेरी बहन, आप जो कह रही हैं कि भक्तों का अपमान करके लोग मजे से रहते हैं, नहीं, उनको जब मिलेगा ना दंड, भगवान थोड़ा सा देर, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, ईश्वर थोड़ा धीरे चक्की चलाते हैं, पिसता है उनके घर आटा धीरे पर पिसता जरूर है, हिसाब तो पाई पाई का रखते हैं ना भगवान, जब देंगे ना तो खूब नानी याद आएगी। और आप ये मत सोचो, जैसे मैंने, आप भक्त हो और मैंने आज आपको अपमानित किया, आपको मारा मैंने, तो आप तो भक्त हैं, आप तो मेरे से कोई ना कुछ ना कहेंगे, और मैं तो मौत से रह रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन के आखिरी तक और जो अगला जन्म होगा, उस सारे जन्म में इस जन्म का ये दंड भोगना पड़ेगा। कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, क्यों है, किसी जन्म का तो हिसाब चुक रहा है ये, क्यों लोग घिसट घिसट के चल रहे हैं, क्यों चप्पल पांव में ना पहन के हाथ में पहनना पड़ रहा है, ये आज का ही कर्म दंड थोड़ी है, ये किसी ना किसी जन्म का कर्म दंड ही तो भोग रहा है, तो ईश्वर के घर देर है, अंधेर। एक प्रश्न और लास्ट, जैसे भगवान कर्म की सजा देते हैं, उसको सजा मिल रही, वो पूरा जीवन सजा ले रहा है,
लेकिन उसको ये ज्ञात ही नहीं है कि उसको सजा क्यों मिल रही है और वो गाली दे रहा है, तो उस सजा का क्या फायदा? ज्ञान नहीं हो सकता बेटा, ये तुम्हारे और हमारे हाथ में नहीं है, यही तो ईश्वर के हाथ में मिलेगा, बस ये श्योर है, ये कन्फर्म है। बट ये नहीं कन्फर्म है कि आपको किस दंड पाप का, भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली। भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, मैं तो अपने 20 जन्म पुराना मैं जानता हूँ। भगवान ने कहा 20 जन्म तक तो जानते हो, 20 जन्म के पहले 21वां जन्म देख लेते तो मिल जाता, एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था 21 जन्म पहले, उसका दंड आज मिल रहा है भीष्म पितामह को। तो हमारी और आपकी सोच, हमारी और आपकी बुद्धि से ईश्वर का न्याय परे। महाराज जी, जैसे मेरे जीवन में है, मेरे साथ कुछ बुरा होगा, कुछ समय के लिए बुरा लगेगा, लेकिन मैं सोचूंगी कि शायद ये मेरे कुछ कर्मों की सजा है, फिर मैं माफी भी मांगूंगी, तो क्या मुझे वो माफी मिलेगी उस भाव के साथ, उस फील के साथ? यदि हमने कोई अपराध किया हो और हम सिर्फ भगवान की शरण में चले जाएं, तो भगवान कहते हैं सन्मुख हो ही जीव मुहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि अघमेंस पाप। जो मेरे सन्मुख आकर मेरा हो जाता है, मेरे में आत्मसमर्पण कर देता है, मैं उसका हो जाता हूँ।